कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और वही अगर बात व्यापारियों की करें तो पंजाब सरकार की ओर से लगाए गए कर्फ्यू की वजह से व्यापारियों को भी काफी दिक्कतें आ रही हैं, जिसके बाद पंजाब सरकार की ओर से उन्हें कुछ राहत भी दे दी गई थी। पर इसके बावजूद भी जिम मालिकों में काफी रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि पंजाब सरकार की ओर से अभी भी जिम खोलने की परमिशन नहीं दी गई है, जिसके चलते आज जिम मालिकों की ओर से पठानकोट के ADC सुरेंद्र सिंह को मांग पत्र दिया गया। वो अपील करते हुए कहा कि उन्हें भी जिम खोलने की इजाजत दी जाए। सारे ही बच्चे भी बेरोजगार, जो कोच लगे जी रोजगार होए पे आ, तो साढ़े घर के खर्चे भी नहीं चल रहे। असं ADC साहब को आए थे अभी मंग पत्र देने वास्ते, उन्होंने अभी मंग पत्र दिता, उन्होंने साड़ी बहुत ही वधिया गल सुन के कहा है कोई गल नहीं तुहाडा अं हल करावे जी। कि 2 महीने हो चले पूरी जिम्मा बंद हो, 2 महीने तो सारी बंद है, और साढ़े खर्चे खुर्चे सारे बिल बुल आ रहे हैं जी, सारे किराए भी पै रहे हैं, साड़ी जल्द तो जल्द जिम्मा खोलने सू विश्वास लाया खिलावे। अज असी जिम एकता संघर्ष कमेटी वालों जो टेस्ट कर रहे थे पिछले दिनों के अज सू कल असी धरना लगाया सी पठानकोट, और सानू DC साहब ने अज बुलाया सी, ते उस संबंध में असी ADC साहब नू धरने के संबंध में असी अज मंग पत्र दिता है, और ADC साहब ने सानू विश्वास दवाया है कि ताड़ियां जिमां जिहड़ियां पिछले लंबे समय तो बंद है, पिछले साल भी क्योंकि करोना की मार पई है सानू जिमां बंद रही हैं, और इस साल भी सानू 2-3 महीने की मार पै गई है, जिमां बंद होने के कारण कारोबार बंद हो गया, क्योंकि कारोबार एक ऐसी चीज़ है जिन्हां नाल ही बंदा अपना रुजगार चला सकता, जिन्हां नाल ही बंदा अपना घर बार चला सकता, होर अपनी सारी जरूरत पूरी कर सकता। इस करके अज ADC साहब ने साड़ी गलबात हुई, और ADC साहब ने सानू बहुत ही वधिया तरीके नाल विश्वास दवाया है कि ताड़ी थोड़े ही दिनों के 2-4 दिनों के जिमां खोल दित्तियां जाणगियां, और सानू ADC साहब ते विश्वास भी है कि साड़ियां थोड़े ही दिनों के जिहड़ियां जिमां खुल जाणगियां। जय हिंद, जय भारत।